बीती, दो दिन पहले हुआ था यह हादसा। बड़ी खबर इस बीच आप देख रहे हैं, ये देखिए दो दिन पहले सबसे पहले ये तस्वीरें भारत समाचार ने आप तक पहुंचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। ये देखिए ब्लास्ट पूरा कैद हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी, मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी ये सामने निकल कर आया था। 3 घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे, पटाखा बनाते समय विस्फोट हुआ था। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं इस पूरे मामले में। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। ये देखिए पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, पर खच्चे उड़ गए थे, 3 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। काकोरी में ये ब्लास्ट हुआ था, 3 की मौत हुई थी ब्लास्ट में, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बताया जा रहा था कि पटाखा बनाते समय ये विस्फोट हुआ था, भारी मात्रा में वहां पर विस्फोटक पदार्थ पाया गया था। संवाददाता अभिषेक मिश्रा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दो दिन पहले काकोरी में ब्लास्ट की खबर सामने आई, 3 लोगों की मौत हुई थी, हालांकि उस वक्त ये खुलासा नहीं हो पा रहा था कि असल वजह क्या थी। आज जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं तो बेहद ही चौंकाने वाली ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या आया, क्या कुछ खुलासा हुआ अभिषेक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव हाथ लगे हैं और उसके आधार पर एकदम साफ माना जा रहा है कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है वो इस बात की तरफ साफ बता रहा है कि कितनी बड़ा ब्लास्ट था और किस डेंसिटी का ये ब्लास्ट था। क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हवाई हमले के जरिए किसी भी दुश्मन के घर पर हमला किया जाता है, उस तरह से ये हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, हालांकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार क्या किया जा रहा था इस तरह का काम जिसकी वजह से इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ था उसमें 3 घर बाकायदा धराशाही हो गए थे और साथ में जो चौथा मकान था उसमें भी जो ऊपर में सोलर पैनल लगे हुए थे वो भी धराशाही हो गए थे और काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई। और जो लोग इसमें मारे गए थे उनके अवशेष यानी कि शव के अवशेष जो थे वो काफी दूर तक पाए गए थे। तो इस मामले में माना जा रहा था कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में जो वहां पर बारूद रखा हुआ था उसमें ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, 3 लोगों की इसमें मौत हुई थी जिसमें से 2 पुरुष और 1 लड़की इसमें शामिल थी। अभिषेक, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद फिलहाल प्रशासन का क्या कार्रवाई देखने को मिली प्रशासन की ओर से? देखिए प्रशासनिक अमले ने हमेशा की तरह जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद बड़ा ही उदासीन रवैया होता है और इस घटना के बाद भी बड़ा ही उदासीन रवैया है और उसका कहना है कि हम जल्द से जल्द इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जिस तरह से अवैध फैक्ट्री अगर जहां पर भी चल रही है, जहां पर इस तरह के गोडाउन बनाए जा रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन सारी चीजों के दृष्टिगत तत्कालीन जो SSP लखनऊ है उन्होंने तत्कालीन जो वहां के चौकी इंचार्ज थे और साथ में 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था और बड़े अधिकारियों पर किसी भी तरह की कोई दाज नहीं गिरी थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक घटना हो जाने के बाद उदासीन रवैया जो पुलिस और प्रशासन का हमेशा से होता है उसी तरह का हमेशा से देखने को मिला है। अब जिस तरह से ये CCTV सामने आए हैं उसके बाद हो सकता है कि कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है हो सकता है कि अगर आसपास में रिहायशी इलाका और ज्यादा रहा होता तो उससे नुकसान और भी ज्यादा लोगों का होता। अभिषेक, एक चीज और आप समझना चाहेंगे, 3 लोगों की मौत हुई इस पूरे ब्लास्ट में। बताया ये जा रहा था कि विस्फोटक पदार्थ भारी मात्रा में वहां पर मौजूद थे। सवाल ये उठता है कि इस पूरे हादसे के बाद क्या लगता है, क्या एक बार फिर से ढिलमुल रवैया देखने को मिल रहा है प्रशासन का, ऐसी घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा? देखिए जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं उसके 3-4-5 या बहुत ज्यादा 1 हफ्ते तक प्रशासनिक अमला काफी ज्यादा तेज तर्रार होता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है कि कुछ वो काम कर रहे हैं, लेकिन चीजें जाते जाते कुछ ऐसी घटनाएं और घटित हो जाती हैं जिससे प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसको इन सारी चीजों से कोई सरोकार नहीं है कि आखिरकार कितने लोग वहां पर मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इन सारी चीजों को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे प्रशासनिक अमले का धुलमुल रवैया हमेशा की तरह आज भी अख्तियार है और उसी का एक सबसे बड़ा परिणाम है कि काकोरी की घटना इस तरह से घटित होती है, उसके बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या बड़ी कार्रवाई होती है इस तरह की कोई भी जांच के बाद सामने नहीं आ रही है। अभिषेक, एक अहम बात समझना चाहेंगे, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बेहद ही आउट एरिया में ये बिल्डिंग थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। आखिर सीसीटीवी फुटेज कितनी दूरी से आपको बरामद हुआ है, मीडिया को मिला है, कहां पर ये सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई?
देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, ये मुन्ना खेड़ा गांव है जहां पर ये घटना घटित हुई है, उससे करीब 2 किलोमीटर दूरी पर ये सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है हमें, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चारदीवारी की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया हुआ था। उसमें अचानक जब इस तरह की घटना होते हुए देखा गया तो उसको मीडिया को सर्कुलेट किया गया। खासकर भारत समाचार के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें इस बात को साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा ब्लास्ट और कितना जोरदार ब्लास्ट है, क्योंकि जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय पर, तो उन्होंने हमें इस बात को साफ बताया था कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज थी और जो परखच्चे थे लोगों के वो करीब 800 से 900 मीटर तक गिरे थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो ब्लास्ट की डेंसिटी है वो इसकी विस्फोट का जो वीडियो आया है उसमें आप देख सकते हैं, और किस तरह से लोगों के छत विक्षत शव वहां पर पड़े होंगे इस बात की महज कल्पना ही की जा सकती है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, हम जानकारी देने के लिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, काकोरी में ब्लास्ट हुआ था, 3 लोगों की जान चली गई थी। भारत समाचार पर सबसे पहले हमने उस वक्त भी आपको तस्वीरें दिखाई और आज भी सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ वजह रही ये भी हमने आपको बताया। बताया जा रहा था कि वहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे, पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी जो कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चलाई जा रही थी, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है, जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं वो जब सामने आई हैं तो कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, कई और इशारा कर रही हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ और इतने बड़े हादसे के बाद भी खाकी आखिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब सबसे पहले भारत समाचार की टीम काकोरी इलाके में पहुंची, इस ब्लास्ट की जो पूरी वारदात हुई मौकाए वारदात पर पहुंचे और वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि 2 दिन बाद ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से सामने आ रही हैं कि ये ब्लास्ट कैसा रहा। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ब्लास्ट हुआ है, धुएं का गुबार उठा है, हालांकि ये भी नहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि कितने लोगों यहाँ पर इसकी चपेट में आए होंगे, क्योंकि कई लोगों के जो बॉडी के पार्ट थे उनके टुकड़े टुकड़े यहाँ पर देखने को मिले थे। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा था, बेहद ही भीषण ब्लास्ट देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त इलाके में दहशत का माहौल था, कोई भी वहां पर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिलहाल ये फुटेज बता रहे हैं कि ये हादसा कितना भीषण था। सहारनपुर से इस बीच एक बड़े